सिर्फ तेरी नहीं सच भी। नमस्कार, मैं हूं वात्सल्य त्रिपाठी और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, काजल पांडे के साथ गैंग रेप कर हत्या मामले में प्रशासन कर रहा है लीपा पोती। जी हां, आपको बताते चले, प्रयागराज में बीते दिन काजल पांडे नाम की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हम लोगों को सिर्फ प्रशासन गुमराह कर रहा है और उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया जा रहा है। बेटी के न्याय के लिए दर दर भटक रहे परिजन परिवार को न्याय दिलाने के लिए सवर्ण आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे प्रयागराज आके पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। पीड़ित का केस देख रहे अधिवक्ता दीपक मिश्रा जी ने भी अपना बयान दिया है। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आशीष मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं JNI न्यूज। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चीफ सर्वेश पांडे जी आए थे, तो क्या हुआ, कहां तक मामला पहुंचा और कहां तक कार्रवाई हुई? कल हम लोगों को हम लोग गए थे DIG साहब से मिलने और हम लोगों को थोड़ी देर से जानकारी हुई, जिस वजह से हम लोग थोड़ा इस कार्यक्रम में देर से लगे। हम लोगों ने 48 घंटे का समय दिया था, उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर ही हम लोग वर्कआउट कर देंगे और 24 घंटे में उन्होंने अपना काम किया, थोड़ा सा किया। जैसे कि मृतका के परिवार वाले लोग बता रहे थे कि कम से कम उसमें 7 लोग थे, फिर 5 लोग की संख्या बताई गई, फिर 3 लोग कल बताया गया और बाद में डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही नाम को जो है चला दिया जाए, लेकिन चलिए 3 लोगों को इन्होंने घोषित किया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, जो मेडिकल हमारे पास में उपलब्ध है उसमें हम लोग देखे हैं, उसको चोट लगी है। मृतका के परिवार से हम लोगों की बात हुई है तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारी लड़की जिस पोजीशन में थी उसका एक लड़का कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें कम से कम 3 से 4-5 लोग थे और उसमें जो है सबका नाम सामने आना चाहिए, इस बात की मांग है। हमारी लोगों की मांग में 2 बिंदु मुख है, एक उनकी सुरक्षा से संबंधित और उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाए। सर्वेश पांडे जी से हमारी बात हुई है, हम लोग बैठ करके बात किए हैं, उसमें 3 बिंदु और जोड़े जा रहे हैं। 3 बिंदु में एक नौकरी और लड़की के परिवार को मतलब पिताजी को एक असलाहा और इसकी CBI जांच हो, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से जिस हिसाब से अपनी कहानी बता रही है अब उस कहानी पे ही चलेगी, उसी दिशा में उसमें लीपा पोती कर रही है उसमें हम लोग को भरोसा नहीं है। क्या आपको क्या लग रहा है कि लड़की को न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब यह समाज जो है अब जाग गया है, अब इस तरह से अगर हम लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर हम लोगों को और वो हम उन पुलिस वालों को भी आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से कार्रवाई होती रही समाज में, ये इलाहाबाद की पहली घटना है, तो कोई भी परिवार अपनी बच्ची को शहर में पढ़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। इलाहाबाद में फर्स्ट टाइम है कि किसी लड़की को मार करके रेप करके फेंक दिया गया हो और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कई जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं और आज तक उसके परिवार में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और प्रशासन को हम फिर से ये बात कहना चाहते हैं, आपके परिवार के लोग भी बाहर पढ़ रहे होंगे, इसलिए ईमानदारी से, वो किसी की बेटी है, किसी की बहू बनती और उस परिवार की जीविकोपार्जन करती, इसलिए निवेदन है पूरी ईमानदारी से, आप गलत काम करते हैं हर आदमी ये जानता है, लेकिन यहाँ पे बच्ची कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक मामले का न्याय के लिए आवाज उठाई जा रही है? कल वाला बात कल आपके साथ कुछ घटना घटी थी? हाँ। क्या घटना घटी थी आपके साथ? इनके जैसा एक आदमी था, उसका कपड़ा भी ऐसा मिलता जुलता था, हमारी गाड़ी पीछे थी उसका आगे था और 2 आदमी बैठे थे, उस पर लात मार के भाग गए, वो लोग लात मार के भाग गए और पीछे से हम लोग तो थे, लेकिन इसलिए रुके नहीं कि उसके पास बहुत सारे पब्लिक आ गए बचाने के लिए, इसलिए हम लोग घर कुमारी भाग गए थे, क्योंकि फिर से वो लोग पहचान जाएंगे तो हम लोग पर हमला करेंगे, इसलिए हम लोग भाग गए, नहीं बचाने की कोशिश करती कि भाई उठाओ, डॉक्टर बुलाओ, 100 नंबर को बुलाओ, लेकिन पब्लिक ज्यादा आ गई थी इसलिए हम लोग भाग गए। जानलेवा हमला हुआ था? हाँ,
तो क्या आपने पुलिस प्रशासन में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मांग है? अगर सुरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा घर दूर है, आने जाने में तो दिक्कत होगा, वही रास्ते में मार देगा तो हमारे सिवा है कौन की आवाज उठाएगा, मेरे बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसा मैं या प्रशासन कितना संतुष्ट है कार्रवाई को लेके? कुछ नहीं, प्रशासन इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि वो मनगढ़ंत कहानी बच्चों को सुनाते हैं ना, रट के आए हैं उस तरीके से वो एक कहानी बयां करके सुना रहे हैं ये। और इनका कहना है कि एक लड़का बलात्कार किया है, बाकी नहीं, तो बाकी लोग उस जगह खड़े होकर क्या कर रहे थे? और अगर कहिए बाकी लोग कुछ नहीं किए तो वो हत्या करके कुएं में क्यों डाले? इतने शरीफ तो नहीं थे कि वो लोग कि ये रेप न करें। रेप करने अगर जो आदमी हत्या कर सकता है, क्रिमिनल का साथ दे सकता है, तो वो साथ में रेप भी करके हत्या किया। ये जिस तरीके से पुलिस वाले घुमा रहे हैं परिवार को और इस तरीके से इन्हें जलील किया जा रहा है, तुम्हारी बच्ची ऐसी, तुम्हारी बच्ची वैसी, ये बाकायदा सोची समझी साजिश है। मामले को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से जो है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और आज ये रो रही हैं आकर के, यहाँ पे कल हमला भी हुआ, बहुत ही निंदनीय कार्य है और निष्पक्ष रूप से जांच हो, यही जो है निवेदन है प्रशासन से। जितना भी मेहनत की है, जिस तरीके से उसके साथ गलत कार्य किया गया और प्रशासन चुप्पी साधे हुए, या बिल्कुल ही निंदनीय कार्य है, निष्पक्ष जांच करने की कृपा करें।